सुबह के बजे हैं 4 और नींद तो वैसे भी नहीं आ रही है रिजल्ट के डर के मारे। तो हाँ आज रिजल्ट है, पर करे क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे भी नींद आ नहीं रही थी तो सोचा मॉर्निंग वॉक पे चले जाएं। अब मॉर्निंग में पता चल रहा है कि नाइट इतना नाइट होता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतना सुनसान रोड है, वैसे भी सारा डर के मारे कोई आएगा नहीं इधर। लोकेशन तो बहुत अच्छा है वो फिल्म शूटिंग करने के लिए। इधर फील्ड है और उधर घर है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, फील्ड या घर? ऑब्वियसली घर। तो फील्ड पे तो आ चुके हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और फील्ड पे वैसे कोई है क्यों नहीं, हेल्थ के लिए कोई अपने कॉन्शियस है कि नहीं? ओ मैं चुप, पहली बार मैं भी तो आया हूँ। सब रिजल्ट के डर के मारे हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है। मेरे को तो समझ नहीं आता रिजल्ट उजल्ट होता क्यों है। एग्ज़ाम नहीं होते तो रिजल्ट नहीं होते, स्कूल नहीं होते तो एग्ज़ाम नहीं होते, यार ये सब कोई सोचता क्यों नहीं है यार, सोचा करो। अब आ चुके हैं तो बॉडी को थोड़ा स्ट्रांग भी कर लेते हैं, क्या मतलब बाद में पिटाई होने वाली है। कभी कभी तो लगता है जिंदगी में इतना अकेले पने से वाला कोई दिख ही नहीं रहा है। हम इंसान बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। इस क्रोध को अपने अंदर से बाहर ना निकालने के लिए हमें योगा करना चाहिए। अपनी दोनों आंखें बंद, ये म्यूजिक बंद कर मा... तो अभी घर जाने का प्लान। 6.5 hours later. तो रिजल्ट तो मिल चुका है और रिजल्ट इतना खास भी नहीं आया, मतलब जितना किए थे उतना ही आया है, बस फेल हो गए हैं। मतलब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। प्रमोशन तो मिल चुका है, बस फेल हुए हैं, लेकिन काम चलाओ जितना मार्क था, हाँ अच्छा ही था, जितना हो सका था उतना किए। अब देखते हैं, क्लास 10 में प्रमोट तो हो गए हैं, लेकिन क्लास 10 में कैसे मार्क लाते हैं इस साल, बहुत कुछ करने के लिए तो सोचें, होता है कि नहीं देखते हैं।